आज हम शकुरा माइक्रोन ब्लैक बैरल पेंस का रिव्यू बनाने वाले हैं। तो ये है हमारे शकुरा पिग्मा माइक्रोन ब्लैक बैरल 100th एनिवर्सरी लिमिटेड एडिशन, और ये मेड इन जापान है। 8 फाइन लाइनर्स है। तो ये 8 पेन्स का सेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्च किया गया है ये पेन। इसकी अगर लुक्स भी देखो कितनी अच्छी है, मतलब पैकिंग ही इतनी अच्छी लग रही है देखने में। और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो 1299 का ये 8 पेन्स का सेट आता है। 8 पेन 1299 रुपये में आ जाते हैं। ये है वाटर बेस्ड पिगमेंट मार्कर, फेड रेसिस्टेंट, आर्चिबल क्वालिटी इंक, इंक ड्राइज क्विकली, वाटरप्रूफ। ये सारी क्वालिटीज जो है इन पेन्स में है। और एक चीज़ ये है कि जब इतनी सारी क्वालिटीज़ हो ना किसी पेन में, तो ये क्वालिटीज़ वाटर कलर्स के साथ बहुत सही चलेंगे। अगर आपको वाटर कलर्स के साथ कुछ ब्लैक आउटलाइंस इस तरह से कुछ दिखाना है, तो ये पेन द बेस्ट है। ये पेन बहुत बेस्ट रहेंगे, क्योंकि ये एक तो इंक इनकी फैलेगी नहीं, एकदम से ड्राई हो जाती है तो फैलती नहीं है, और वाटर प्रूफ है तो वाटर के साथ किसी तरह से मिक्सअप भी नहीं होंगे। अच्छा, ये 003, 005, 01, 02, 03, 04, 05, 08 इन सीरीज़ के ये पेन्स हैं। तो अब ये सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए, इससे आपको इजी रहेगा कि मतलब कौन सा पेन आपको लेना है, कौन सा यूज़ करना है। अब आप ये पूरा पैक लेना चाहो पूरा पैक ले सकते हो, बट क्या होता है कि जब ये शॉप्स पे बिकने स्टार्ट होते हैं तो शॉप्स पे फिर इंडिविजुअली भी लोग बाय कर सकते हैं, एक एक पेन ले लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये जो है मैंने तो अमेज़ॉन से मंगाया था, तो मेरा तो सेट जो है अमेज़ॉन का है से आया है। तो आप देख सकते हो अमेज़ॉन से पूरा सेट बाय करना है तो अमेज़ॉन से ले लो। इंडिविजुअली सिंगल पेन्स चाहिए होंगे तो वो शॉप्स पे भी मिल जाते हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं। खोल के देखते हैं। तो इसका ये इस तरह से ओपन करने के लिए, और इसके पीछे मतलब वो हैंग करने के लिए भी है कि आप अगर ये पेन सेट को हैंग भी करना चाहो तो प्लास्टिक का ये हैंगर्स भी इसके पीछे बना हुआ है। तो अभी हम पहला पेन निकाल के देखते हैं। एक 01 लिया है मैंने। लुक देखिए इन पेन्स की। पहले ना ये क्रीम शेड के पेन्स होते थे, क्रीम कलर में आते थे, और अभी आप देखो जो लोग यूज़ करते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं यूज़ करते, जो अभी ब्लू बिल्कुल नए आए हैं, तो वो देखेंगे कि एकदम डिफरेंट लुक आई है। डार्क ब्लैक सा कलर आपका, और उसके ऊपर इन्होंने गोल्डन कैप दी है, तो ये बड़ा अच्छा मतलब बनाया है। तो अच्छा ये है कि ये जो मैं रिव्यू बना रही हूँ ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद मंगाए थे अपने यूज़ के लिए, तो मुझे लगा कि आप लोगों को मैं बताऊंगी किस तरह के हैं, इसलिए मैंने जस्ट ये वीडियो बनाया है। और आने वाले टाइम में भी जो मटेरियल मैं बाय करूंगी उनके वीडियोस आपको मतलब रिव्यूज़ बना के दे दिया करूंगी। तो ये देखो ये टॉप पे ना सारे नंबर्स दिए हुए हैं कैप्स पे, तो आपको जैसे निकालना है जो है आप देख के निकाल सकते हो, कोई ऐसे नहीं कि पेन को सर्च करना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़े आराम से इसको ऐसे निकाल सकते हो ऊपर से देख के अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिस पेन पे वर्क करना है वो कर सकते हो आप। तो अभी देखो पेन खोल के देखा मैंने, ये देखिए इसकी निब देखिए एकदम सही है ना, इनकी निब्स भी बहुत अच्छी होती हैं, और क्योंकि मैंने यूज़ किए हैं ऑलरेडी तो मुझे पता है कि ये वर्किंग के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो अच्छा मतलब पेन है, वन टाइम यूज़ वाले मतलब है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब वैसे तो लोग पता नहीं किस तरह से इसमें इंक्स वगैरह भी इंस्टॉल कहीं कर लेते हैं, बट मेरे लिए तो वन टाइम यूज़ में है। बट काफ़ी लॉन्ग एक पेन मतलब चलता है, काफ़ी आपके जो पेंटिंग्स हैं वो निकाल लेता है। तो
पर डिपेंड करता है, कई बार एक बड़ी साइज़ की पेंटिंग हो तो उसमें तो एक सिंगल भी यूज़ हो जाता है, पर छोटे साइज़ में ही होता है। तो चलो अब हम देखते हैं इसको थोड़ा वर्क करके। ये देखो 003 पे मैंने वर्क किया, 003 की जो है ना 0.15 mm की लाइन बनती है। मैंने ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं इसमें, तो थोड़ा सा ये देखिए मैंने एक लीव्स बनाने की कोशिश की। तो लीव्स आप देखोगे कि बहुत बारीक बने हैं। ये जो 003 पेन है ना, ये बहुत बारीक कामों के लिए, डॉट पेंटिंग्स में भी बड़ा सही आता है। देखो 005, इसकी 0.20 mm की लाइन है। तो इसमें भी आप देखोगे कि ये उससे थोड़ा सा मतलब हल्का सा थिक है, बट फिर भी बहुत बारीक है, क्योंकि ये दो जो सीरीज़ होती है 003 एंड 005, ये बारीक काम करने के लिए होती है। बहुत बारीक बारीक हमको डॉट्स लगाने हो, हमें बहुत छोटे छोटे लीव्स बनाने हो, कुछ इस तरह के जो वर्क्स होते हैं ना, उनमें हम क्या करते हैं, ये दो पेन्स यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट सीरीज़ जो हमारी 01, 02, 03 एंड 04 की होती है, ये थोड़े मीडियम साइज़ की निब वाले पेन्स होते हैं। इनका वर्क क्या होता है, ये थोड़ा हमें कुछ और मतलब थोड़ा मोटी चीज़ें बनानी है, हल्की सी मोटी, जैसे हम फ्लावर्स बना लेते हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो चलो 01 को देखते हैं। 01 की लाइन जो होती है 0.25 mm की होती है। तो ये देखिए लाइंस मैंने ऑलरेडी लगाई है, और अब इसका लीफ देखिए, इसके लीफ में और ऊपर के लीव्स में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि हल्का सा मोटा, उसमें थोड़ी और थिकनेस आ गई है। लाइंस में भी आप देख सकते हो थोड़ी सी थिकनेस आ गई है। तो जो लोग तो ऑलरेडी काम करते हैं उनको तो पता है, पर जो नहीं करते वो आप इससे थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम 02 पेन लेते हैं, जिसकी लाइन 0.30 mm है, ठीक है। और ये देखिए अब मैंने बनाया लीफ ड्रॉ की, ये थोड़ा सा हल्के से डार्क हो जाएंगे उससे थोड़े से ज़्यादा। अब हम जब कोई कुछ वर्क करते हैं, तो कुछ भी पेंटिंग बनाते हैं, उसमें हम इसी तरह से अलग अलग पेन्स यूज़ करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट है हमारा 0.3, इसकी लाइन 0.35 mm है, और आप लाइन की थिकनेस भी देख सकते हो और लीव्स की थिकनेस भी देख सकते हो, थोड़ी डार्कनेस आपको ऐसे देखने में थोड़ा सा हल्का सा डार्क फील होगा। अब नेक्स्ट है 0.04 पेन, और इसकी लाइन है 0.40 mm। तो अब आप देखिए लीव्स में और थोड़ा सा फ़र्क आया, तो ये इस तरह से है। अब ये मीडियम साइज़ के पेन्स थे। अब नेक्स्ट हम लेंगे 0.5 और 0.8। अब 0.5 और 0.8 किस लिए यूज़ होते हैं, थोड़ा अगर हमें कुछ ज़्यादा डार्क शेड्स देने हैं, डार्क लीव्स बनाने हैं, तो उसमें अब 0.5 की जो लाइन है 0.45 mm है। तो अब आप ये देखो, इसमें ये लीव्स जो हैं थोड़े डार्क आए। अगर हमको जैसे लीव्स को शेड करना हो, तो उनमें ये 0.5 और 0.8 जो हैं ज़्यादा बेटर रहते हैं डार्क करने हैं लीव्स। तो 0.8 और 0.50 mm को अब देखते हैं कि लाइन को, अभी लाइन भी ब्रॉड है, मोटी दिख रही है आपको ऑलरेडी। तो अब ये देखिए, अब ये लीव्स भी देखिए कितने मोटे बने, इस तरह से ना। और हमें अगर लीव्स के बीच में शेड डालनी है, कहीं लैंडस्केप बना रहे हैं, कोई हिल्स बना रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, घर के कोई पिलर में डार्कनेस दिखानी है, हमें कोई ब्रिक्स में डार्कनेस दिखानी है, कोई कार बना रहे हो आप, कार के टायर के नीचे डार्क शेड्स जो उसकी शेड पड़ती है सनलाइट की वजह से, उस शेड को बनाना है, शेडो जो होती है जो उसकी शेडिंग्स करनी है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। या कुछ आप ऐसा ही बना रहे हो, आपको आउटलाइन वाला स्केच टाइप चीज़ें फीचर्स चाहिए होते हैं, उसमें भी आप ये पेन्स यूज़ कर सकते हो। तो बस अब दिमाग में आपको ये रखना है, इसमें मैंने आपको बता दिया है कौन से डार्क पेन्स हैं, कौन से लाइट हैं, कौन सा बारीक काम करेगा, कौन सा मोटा काम करेगा। बाकी आगे वाली वीडियोस में मैं जैसे बनाऊंगी चीज़ें, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा पेन आपको चाहिए, कहाँ की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे मैं ज़्यादातर ये 05 यूज़ करती हूँ, और 003 यूज़ कर लेती हूँ,
वन यूज़ कर लेती हूँ मैं ज़्यादातर वर्क्स में। अभी बहुत ज़्यादा जो मैंने यूज़ किए ये वाले यूज़ किए हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे वर्क्स में आप ये तीन पेन उठाते हो इनसे वर्क करते हो, नहीं। एज़ पर रिक्वायरमेंट कि कहीं पे आपको जिस तरह का वर्क बनाना होता है उसके अकॉर्डिंगली लेने होते हैं। बट ये है कि हाँ, अगर आप ज़्यादा नहीं बाय कर सकते हो तो आप ऐसे तीन चार बाय करके भी कर सकते हो यूज, मतलब बना सकते हो आर्ट वर्क। तो इसे आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इनसे क्या बनाऊंगी, इनको हाथ में लेके इतना अच्छा अच्छा गुड गुड फील हो रहा है ना, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल कर रहा है अभी कुछ बना लूँ। लेकिन चलो अभी तो सोचेंगे क्या बनाएं। अगर आप लोग कुछ चाहते हो कि मैं बनाऊं कुछ ऐसा जो आपकी पसंद का हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, कुछ आइडिया हो आपके माइंड में आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगी वो बनाने को। और बाकी ये है कि अगर आपको वीडियो मेरा ये पसंद आया, आपको रिव्यू अच्छा लगा, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। आने वाली वीडियोस में इन पेन से कुछ ना कुछ मैं बनाऊंगी, तो आप जो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो See you soon in next video. Till then, bye.